नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत बात कर रहे हैं राजस्थान सोजर्स जुलाई 2022 की, जिसकी थीम है शिक्षा को लेकर। अब इसमें बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं अभी हाल ही में चर्चा में है और बड़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। हमने नरेगा का नाम सुना, मनरेगा, उसी की तर्ज पर शहरों में रोजगार के लिए एक राजस्थान सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, उसके संदर्भ में बात करते हैं। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है आपके कथन के रूप में बन जाएगा। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चारों में से छंटनी करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी अपन रखते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन, ये शब्द याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है, किस तरीके से, इसके बारे में पूरी जानकारी राजस्थान सोजस से। चलिए शुरू करते हैं। विगत वर्षों में वैश्विक महामारी COVID-19 के चलते गांव हो या शहर, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जो कोरोना की मार से बचा हो। कहीं जगह लोगों ने अपने परिजनों को खोया, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई, लोग अब तक इसके दंश से उबर नहीं पाए हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोजी रोटी को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तो महात्मा गांधी नरेगा के तहत सहायता प्रदान की, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लोग इससे अछूते रहे। प्रदेश के शहरों की इस वेदना को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समझा और राजस्थान की संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के रूपरेखा तैयार कर इसे लागू करवाया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के बिंदु 6 पर की गई बजट घोषणा के अनुसार अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन लागू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में से जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। कितना होगा? 100 दिवस का। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए जो वार्षिक खर्च होंगे। योजना के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की जा चुकी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण संबंधी कार्य, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य, संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, कंजर्वेशन जो है कन्वर्जेंस कार्य होंगे, सेवा संबंधी कार्य होंगे, हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य एवं अन्य कार्य अनुमत हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का वेब पोर्टल याद रखिएगा www.irgyurban.rajasthan.gov.in भी जो है स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जारी किया जा चुका है। मुख्य सचिव द्वारा समस्त जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा एवं योजना में प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने वाले कार्यों के क्रम में दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। राज्य स्तर से समस्त निकाय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ई मित्र संचालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संविदा के कुल 2561 पदों पर भर्ती किए जाने बाबत समस्त जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं एवं भर्ती की प्रक्रिया जो है ये अधीन है। दिनांक तक जो है 213 निकायों में 9593 कार्यों का चिन्हीकरण, 178 निकायों में प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी इसके संदर्भ में कर दी जा चुकी है और कितने ये जॉब कार्ड है जो ये जारी कर दी गई इसके संदर्भ में ये बात हो गई। बात कर रहे हैं समस्त नगरीय निकायों के योजना अंतर्गत बजट आवंटन किया जा चुका है। सभी जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग एवं नगरीय निकायों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर योजना के क्रियान्वयन पूरी सतर्कता के साथ मॉनिटरिंग करते हुए शहरी प्रदेशवासियों को योजना से लाभान्वित कर राहत देने के लिए निर्देशित किया गया है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में बात करें, प्रदेश के शहरों की इस वेदना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझा। ये जो है मनरेगा की तर्ज पे था। किसकी तर्ज पर? मनरेगा की तर्ज पर। ठीक है, तो इसमें जो है 100 दिवस का रोजगार है आपको बता दिया गया है। ठीक है,
अभी देखिएगा, इसमें जो है श्रम सामग्री अनुपात 75:25 में रहेगी। विशेष प्रकृति के कार्यों में श्रम जो है, श्रम देख पहले श्रम 75:25, सामग्री अनुपात 25:75 रहेगा। जिला कलेक्टर जिला परियोजना समन्वय से अनुमोदन उपरांत कार्यों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी। स्वीकृत कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन हेतु ऑनलाइन जो मिस्ट्रोल होता है, मिस्ट्रोल जिसे हम कहते हैं, मिस्ट्रोल जारी किए जाएंगे। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान मिस्ट्रोल अवधि समाप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित बैंक खाते में ऑनलाइन राजस्थान पेमेंट पोर्टल RPPIRGY अर्बन MIC पोर्टल के माध्यम से कार्यस्थल पर श्रमिकों को पेयजल, गर्मियों में छाया है तो टेंट एवं चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके संदर्भ में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए उसकी बात करें तो नगरीय निकाय स्तर पर योजना के संचालन और क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों में IRGY सेल गठन एवं हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। कार्य की मांग हेतु योजना के प्रपत्र वन में आवेदन पत्र छपवाने का कार्य नगरीय निकाय क्षेत्र में योजना में पात्र श्रमिकों का आकलन करवाते हुए रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जाएगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी प्रदेशवासियों को रोजगार से जोड़कर हर हाथ को काम दिया जाएगा। नमस्कार।